अब ये जितने भी हम स्पेल्स कास्ट करेंगे, हम ये सारे स्पेल्स विल बी डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। नाउ व्हेन आई मीन टैरो कार्ड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कार्ड्स दैट आर बेस्ड ऑन राइडर वेट्स। आप राइडर वेट्स ले सकते हैं, आप चाहें तो राइडर वेट्स से मिलते जुलते आजकल बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। क्यों? क्योंकि हम इसके सिंबल्स को यूज करके हम उसकी एनर्जीज को हार्नेस करेंगे और उससे हम स्पेल कास्टिंग का प्रोसीजर सीखेंगे। सो दिस इज अ ब्रीफ ऑफ द कोर्स कंटेंट। आप लोगों में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू जो भी अभी मैंने बताया कोर्स कंटेंट से रिलेटेड, यू कैन प्लीज रेज योर क्वेरीज बिफोर वी मूव अहेड। स्पेल, यस सर, मैं तो इसका यस, बेसिक बेसिक्स जानना है। स्पेल, नॉट द कोर्स कंटेंट, बट हम्म, व्हाट कुड बी द यूटिलिटी बेनिफिट्स ऑफ डूइंग अ स्पेल रीडिंग, और स्पेल है क्या एक्चुअली बेसिकली? सर पोस्ट दिस आई विल बी कमिंग टू दैट ओनली कि स्पेल ओके, एक्चुअली क्या है और हम इसे क्यों करते हैं। सो करेंटली आई एम जस्ट टेकिंग इन के जो कोर्स कंटेंट है उससे रिलेटेड अगर आप लोग ओके कुछ ओके जानना मैडम, नो चाहें। नो नो नो, नथिंग नथिंग, राइट, थैंक यू मैडम, नहीं नथिंग। ओके। यशोदा हाँ जी, जी, ये इंडिया लिखा हुआ आ रहा है, मैडम सो यू कैन रेस। गुड हाँ, मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल यस आल्सो सर, मैम। हेलो, हाँ जी, कैन यू हियर मी यस यस, आई एम एबल टू हियर यू। मैम? स्पेलिंग मतलब इट्स लाइक अ स्विच वर्ड मैम, और देखिए, स्पेल बेसिकली स्विच वर्ड नहीं है, ये एक प्रोसीजर होता है, एक विधि है, एक तरीके से आप इसको समझ लीजिए कि एक तरीका है हम जो अचीव करना चाहते हैं उसे अचीव करने के लिए, जब हम खुद से कार्य करते हैं। मैम, कैन यू गिवन एन एग्जाम्पल मैम, फॉर एग्जाम्पल लाइक फॉर मैरिज लाइक दैट, कैन यू गिव मी सम एग्जाम्पल मैम? या श्योर, आई कैन गिव इट टू यू। देखिए, एक सिंपल सा तरीका है, जैसे हम लोग बोलते हैं मैम कि इंग्लिश मैम सपोज, प्लीज, या श्योर, इंग्लिश। देयर इज अ सिंपल मेथड दैट व्हेन वी से इज सपोज यू वांट टू अचीव सक्सेस इन अ पर्टिकुलर टास्क मे बी। ओके, सो अ वेरी शॉर्ट स्पेल दैट इज गोइंग फॉर अ स्पैन ऑफ 21 डेज, आई'ल जस्ट शेयर दैट विथ यू। दैट इज फॉर दिस 21 डेज, व्हाट आई'ल डू इज आई'ल आस्क यू दैट यू कैन मेडिटेट ऑन द सन कार्ड, दैट इज द टैरो कार्ड। यू कैन मेडिटेट लाइटिंग अ गोल्डन कलर कैंडल एंड देन देर इज अ शॉर्ट मेडिटेशन दैट आई'ल शेयर। सो व्हेन वी आर मेडिटेटिंग, व्हाट आर वी डूइंग इज वी आर विजुअलाइजिंग एंड सेटिंग दैट वाइब्रेशन। सो दैट इज अ स्पेल दैट वी आर डूइंग फॉर आर ओन सक्सेस, राइट? सो सिमिलरली, नाउ दिस वॉज अ मेडिटेशन प्रोसीजर विच एक्सटेंडेड अप टू 21 डेज। नाउ एवरी स्पेल इज नॉट टू बी कास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टेन्योर। स्पेल्स जनरली छोटे टेन्योर के भी होते हैं, दे आर ऑफ शॉर्ट टेन्योर ऑल्सो। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू पुश फॉरवर्ड आर ओन मैनिफेस्टेशन, आर ओन गोल्स एंड अचीव देम। सो दिस इज वॉट यू कैन अंडरस्टैंड, और यू कैन जस्ट टेक एज अ लेमैन लैंग्वेज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेल कास्टिंग। आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। यस मैम, ओके, चारू जी, आपका क्वेश्चन। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम हाउ आर यू? मॉर्निंग, आई एम डूइंग गुड, हाउ अबाउट यू? या गुड मैम, थैंक यू सो मच मैम। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल द स्पेल्स एंड एवरीथिंग, सो ऑल द स्पेल्स विल बी हैविंग द टैरो कार्ड्स इन्वॉल्व्ड इन देम? यस, सी दिस इज ओके, बेसिकली व्हाट वी आर मूविंग अहेड इज स्पेल कास्टिंग। नाउ इन दिस वील हैव अ लेआउट, लाइक आई नो यू आर प्रैक्टिसिंग टैरो, राइट? सो यू व्हेन यू रीड देर इज अ लेआउट ना, यस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, थ्री एग्जैक्टली, कार्ड स्प्रेड, देर इज अ लेआउट।
So we are going to follow that layout for the spell. Okay, we'll be involving 2-3 cards or, you know, one card in every spell, that means. Yes, so we'll be involving more than one cards to achieve our goal. Okay. And the layout will be in such a way that we get to our goal. We get to the success, basically. Okay, ma'am. And one thing more, ma'am. We'll be doing all these spells and everything. So, like for every, just say if it's for a job, so we'll be doing one spell or we'll be doing multiple spell for one single thing? It is depending on the situation. Now, as I mentioned, like for business. Now, business related, there can be 2-3 situations. One can be upgradation, one can be achievement of financial goals, and one can be just the onstart and you want the success of it. Yes, yes. So depending on the situation, we'll be doing the major spells that you people also come across and face in your day-to-day life. Okay. Yes, ma'am. Okay. Take care, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Right. B. Madam? Hanji, sir. Good morning. Sorry. Koi aur bolna chahta, please. Good morning. Ye aapne hand raise kiya hai, user likha hua aa raha hai. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. So, I am a tarot card reader. So, normally what I did according to client situation, I make a story of tarot cards. It is the same spell. And, yeah. Right. See, the spell would be now when you're reading an interpretation and reading, what does a person come and ask you? Now, suppose if I come to you for a reading and I ask you about my career, say, or about any other aspect. So you'll draw the cards and you'll tell me, okay, this is the situation that I'm seeing. Yeah. And then you will give the remedies accordingly, like. Yes. Now, if I come to you and I say that currently I'm residing at this place, but my dream house is this. So do you have a way to help me achieve that? Yeah, so I know the meaning of tarot, so I will make the remedy accordingly, according to situation like business, profession, marriage, whatsoever. So that is the remedy that you'll make. Now, what the spell will do is, spell is going to give it a push. Okay. And the spell will help in achieving the goal in a short tenure. Okay, got it. So we will use candles, crystals, all. Exactly. Okay, got it. Good, good. Right. Thank you so much. Madam? Yes, sir. Madam, why not take help of switch words or Zebu symbols, which sir, I learned from you only? Yes, sir. We are going to infuse different things. Actually, isme hai kya, the whole procedure of spell involves creating the vibration in the universe for your positive benefit. Okay. So when we are moving into that direction, we are going to use every possible way to convert it. So whatever you've learned would be practically applied. Okay, madam. Madam, Rajiv sir is not attending today's session, right? Yes, sir. He is there, but he's on a silent mode because he's in office at the moment. Okay. And I actually, I had got a request for him. I wanted to request him only one. It is course related only. I attended 4 months of palmistry course, both basics and advanced. So I got a diploma in palmistry, right? So I have done so many tarot courses, card, advanced tarot card, tarot spells also I'll be doing. So why not we get a diploma also? Sure, sir. We'll escalate the same. This is my suggestion, yes. No, sir. Even we were planning, like there are certain changes the academy is also coming across. So soon you'll be able to see that we are offering diploma courses and such courses which have got recognition. So you'll be able to take advantage of that. Okay, madam. Thank you so much. Good. Very good. Pramila ji, aapka question? Ma'am, mujhe ye puchna tha ki isme karmas ka kaise
इंटरप्रिटेशन होगा कि अगर सपोज किसी के लाइफ में जॉब आफ्टर 6 मंथ मिलना है या नेक्स्ट ईयर मिलना है और हम लोग इन स्पेल करने से क्या वो प्रीपोन्ड हो जाएगा? देखिए स्पेल क्या करते हैं, जो कुछ लिखा है उसको पुश करते हैं, राइट? स्पेल हम करते ही इसलिए है कि एक तरीके का उपाय है। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, रेमेडी से आने वाले बड़े खतरे को हम लोग छोटे में टालने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से स्पेल से हम क्या करते हैं, कार्मिकली उस चीज की ओर बढ़ रहे हैं हम। तो कार्मिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर शॉर्टनिंग द टाइम स्पैन। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर मुझे 6 महीने बाद जॉब मिलना है तो स्पेल वाला रेमेडी यूज करके मुझे पहले ही मिल जाएगा। एग्जैक्टली exactly. और स्पेल का सबसे एडवांटेजेस बेनिफिट ये है कि ये आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आपके कोई क्लाइंट आते हैं और वो आपसे बोलते हैं कि आप उनकी इसमें सहायता कर सके कि उन्हें जॉब अच्छी मिल जाए, तो आप उनके द्वारा भी करवा सकते हैं और आप खुद भी कर सकते हैं कि ठीक है आप उनके लिए या उनके बिहाफ पे आप स्पेल करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। मैम मेरा एक क्वेश्चन।